हमारे पेट्रोल पंप पे आ चुका है कस्टमर और इसकी पेशेंस लेवल भाई खत्म होने आ चुकी है भाई। रुक जा भाई, व्हाट द हेक भाई, अबे क्या बोले भाई इनका भाई, मतलब गन है मेरे पास, मुझे लगता है कि यहाँ पे आ चुके पुलिस और ये पुलिस वाले चीचा क्या कर रहे हैं भाई। तो वेलकम बैक गाइस, तो आज के टाइम में हम खेलने वाले मॉर्टल सिमुलेटर। तो हमारे दादाजी ने हमारे लिए एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी, उसमें होता है एक शॉप, एक पेट्रोल पंप और एक मॉर्टल जो कि होता है एक होटल, तो वही हमको आगे लेके जाना होता है। इस वीडियो में हम वही गेम खेलने वाले, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइस, हमारी गेम तो चालू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम एक घने जंगल के अंदर, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। और ये मैडम जी तो भाई पेरे लेने में बिजी है। तो बस के बाहर तो हम आ चुके हैं, तो बस तो ऐसे चली गई। तो अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रीड द लेटर, तो ये अभी हमारा टास्क है, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि मैंने अभी इस लेटर में पढ़ा कि ये है हमारी दादाजी की प्रॉपर्टी, तो इसमें एक पेट्रोल पंप है, एक शॉप है और एक होटल है। तो भाई इस प्रॉपर्टी को हमें आगे लेके जाना है, तो इसलिए हमारी दादाजी ने प्रॉपर्टी रखी है हमारे लिए। तो अभी एक मुझे टास्क दिख रहा है कि टर्न ऑन द पावर, तो जल्दी से आके पावर भी ऑन कर लेते हैं। और लेट्स गो भाई, यहाँ पे क्या करना है, ओके। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ की ऑन कर दी है, शॉप है यहाँ पे। यहाँ के जो कस्टमर है ना भाई, उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, अगर हमने थोड़ी भी देरी कर दी तो वो चले जाएंगे। फिर यहाँ पे एक वेयरहाउस भी है हमारा, एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं हम, ऐसा लगता है भाई। यहाँ पे क्रिमिनल्स भी है, क्रिमिनल्स से तो हमें भाई बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे कस्टमर को मार भी सकते हैं और हम जो चीजें लाएंगे वो चुरा भी सकते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कॉप्स एंड डेड बॉडीज भाई, यहाँ पे कॉप्स भी मतलब पुलिस भी आती है, तो वो भी देखते हैं कैसा सीन है उसका। ओके, तो ये तो हमने रीड कर दिया है। तो अभी हमें करना है हमारा कंप्यूटर को सेटअप, तो चलते भाई। ये लगता है हमारा ऑफिस है, तो इसके अंदर चलते हैं और हमारा कंप्यूटर को सेटअप करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है ये वूड निकालनी पड़ेगी भाई, वूड को ये निकाल लेते हैं जल्दी से यहाँ से। तो यहाँ पे है हमारा कंप्यूटर, तो इसको हमें ऑन करना है। और ये स्विचेस लग रहे हैं मेरे को, ये स्विच एंड द आउटलेट ऑन द वॉल, कि ये आउटलेट को हमें इधर वॉल पे लगाना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं और प्लग द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर यहाँ पे मुझे कुछ वायर दिख रही है, तो ये प्लग, तो ये वायर लेके हमें इधर प्लग करनी है। ओके लेट्स गो। तो हमारा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और लगता है हमारा कंप्यूटर भी ऑन हो चुका है। एक बार कंप्यूटर को देख लेते हैं भाई कैसा है। कि भाई साहब, तो हमारे होटल का नाम टेन जोन वॉट भाई, ये नहीं, हमारे होटल का नाम होने वाला है, तो हमारे होटल का नाम होने वाला है यॉस दा ढाबा भाई। ऐसा वैसा नाम नहीं है भाई, यॉस दा ढाबा भाई। लेट्स गो, मैंने मेरा होटल का नाम भी रख दिया है यॉस दा ढाबा। और हमारा अगला टास्क है क्लीन योर ऑफिस, तो अभी हमें करना है हमारा ऑफिस क्लीन। ओके चलो, एक बार यहाँ का मैं क्लीन कर लेता हूँ सब कुछ और आपसे मिलता हूँ। और ऑलमोस्ट हमारा ऑफिस क्लीन हो चुका है। मैं छोटी मोटी चीजें जो बची है ना, इसको मैं बाहर रख देता हूँ। रुको भाई, इसको इसके अंदर रख सकते हैं क्या? ओके, इसको भी इसके अंदर रखना है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमारा ऑफिस क्लीन तो हो चुका है, और क्या बच रहा है भाई इसके अंदर? ओके, इस बेड को एक बार सेट कर देते हैं इधर। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेड भी मैंने सेट कर दिया है। ऑफिस तो आई थिंक क्लीन हो चुका है, या इधर उधर कुछ बचा है एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा टास्क कम्प्लीट होना चाहिए था। तो मुझे लगता है हमारा जो कचरा है ना वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, फिर हमारा टास्क कम्प्लीट होगा। और भाई कस्टमर का भी मुझे सीन देखना पड़ेगा कि कस्टमर का सीन कैसे है, इसके अंदर कैसे डालना है भाई इसको। ओके, वही प्रेस करके इसके अंदर हमें फेंक देनी है सारी चीजें। और ये भाग भाई, तेज जाना है हमको, कि भाई जल्दी से काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये तीन कमरे भी बचे हैं भाई। तो ये तीन कमरे हमारे ही है मुझे लगता है, उनको भी क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक गाड़ी भी है भाई, ये कैसी गाड़ी है, पुरानी पता नहीं भाई, बहुत ही पुराने जमाने की गाड़ी, और इसकी आवाज़ भी बहुत खटारा है। ओके भाई चलो, तो एक एक करके मैं सारी की सारी चीज़ें उस कचरे के डिब्बे में डाल देता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ओके लेट्स गो गाइस, तो हमारा टास्क तो कम्प्लीट हो चुका है, जो कि था हमें हमारा क्लीन करना था ऑफिस। तो अगला टास्क हमारा कि फाइंड टू सीलिंग लैंप्स इन द वेयरहाउस, हैंग देम इनटू रूम नंबर वन। ओके, तो हमें कुछ दो सीलिंग लैंप्स है वो हमारे वेयरहाउस से लेके आने हैं। तो ये हमारा नहीं, ये हमारी शॉप है, तो हमारा वेयरहाउस तक तो ये हो सकता है। तो दो सीलिंग लैंप इसके अंदर मुझे तो किधर नहीं। ओके, तो यहाँ पे तो इसके अंदर तो मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे हमें जाना है सीलिंग लैंप में। और यहाँ से मैंने एक सीलिंग लैंप तो खरीद लिया है, इधर एक लगा देता हूँ, फिर उसके बाद और एक ले सकता हूँ मुझे लगता है मैं। ओके, और एक इधर लगा देता हूँ, और इसका इधर स्विच वगैरह है क्या कुछ? ओके, यहाँ पे मुझे एक स्विच दिख रहा है। लेट्स गो गाइस, हमारा टास्क भी कम्प्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पे सीलिंग लैंप्स भी लगा दिए। तो अगला टास्क क्या है हमारा, जो हमारी रूम नंबर वन है उसके अंदर हमें पेंट करना है और हमारा फ्लोर भी बनाना है। तो जैसे कि मेरा उसके अंदर यहाँ पे फ्लोर्स लेके मैं चलता हूँ और वहाँ की फ्लोर भी बना देता हूँ। और मुझे लगता है हमारे रूम नंबर वन के अंदर बहुत सारा कचरा है भाई, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, तब तक तू इधर रहे भाई।
गणेश बॉयज, तो मैंने यहाँ का कचरा भी निकल दिया है, तो जल्दी से यहाँ का फ्लोर भी क्लीन कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक नया फ्लोर लगाना है, तो क्लीन हो जाए गणेश को। तो यहाँ के रूम तो क्लीन हो चुके हैं पूरी की पूरी, और जो हमने फ्लोर लाए थे उनको जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं। उम्मीद है बाकी इसको प्लेस करना है, मुझे लगता है गणेश को यहाँ तक तो आ रहना है क्योंकि यहाँ का ओ भाई क्या बढ़िया लग रहा है भाई ये फ्लोर को, इसको और लगा देते हैं। कितना ये पता नहीं इसके अंदर फ्लोर, मुझे लगता है हमें और फ्लोर ओके और फ्लोर की जरूरत पड़ने वाली है। जो हमारा वेयर हाउस है उसके अंदर से मैं और कुछ फ्लोर लेके आता हूँ, तो आई थिंक सो यहाँ पे फ्लोर ओके यहाँ पे और फ्लोर तो है, और अंदर के रूम में पता नहीं अंदर के रूम में ये सारे फ्लोर बैठेंगे या नहीं पता नहीं। गणेश को तो ये फ्लोर भी लेके मैं आ चुका हूँ, चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं जल्दी से भाई, वेस्ट नहीं करना भाई हमें, जितना चाहिए उतना ही लगाएंगे, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ओके गणेश को बढ़िया लगने लगा है भाई हमारा रूम, इधर भी लगा देते हैं भाई ये फ्लोर्स यहाँ के रूम। ओके भाई यहाँ पे मुझे लगा भाई मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कमी पड़ने वाली है, तो हमारे पास कुछ और फ्लोर भी थे मुझे लगता है, लेकिन वो कुछ अलग है, तो उसको देखते वो कैसे है, उनको भी लेके चलते। ओ भाई ये कुछ तो अलग ही लग रहा है मेरे को, ये कुछ इतना खास नहीं दिखने वाला, लेकिन अब कमी पड़ रही है तो लगाना ही पड़ेगा, डिजाइन कर देते भाई कुछ ऐसी। गणेश को इधर ये भी इधर लगा दो और इधर भी। ओके गणेश को तो यहाँ पे हमारा फ्लोर भी हो चुका है, अभी काम बचता है वॉल्स का, तो चलो भाई जल्दी से वॉल्स का भी कम्प्लीट, अभी इसको रखना पड़ेगा तो इसको इधर रख देता हूँ, और जल्दी से पेंट लेके आता हूँ, और पेंट में व्हाइट कलर का पेंट होगा या इधर, ये मुझे लग रहा है ये व्हाइट कलर का पेंट ही है, तो चलो भाई इसको अंदर लेके एक बार देखते हैं कि ये कौन से कलर का पेंट है, तो हमें इधर की वॉल्स भी पेंट करनी है। ओके तो इसके लिए हमें लगने वाला है, तो वॉल पेंट करने के लिए हमें लगने वाला है पेंट रोलर, तो मैंने हमारा पेंट रोलर भी निकाल दिया है, जल्दी से आके वॉल भी भर देते हैं। ओके यहाँ पे भी हमें ई से ही करना है सब, ये कलर तो बहुत बढ़िया लगने वाला है, तो इसको भी कम्प्लीट कर देते हैं जल्दी से। ये साइड की वॉल तो कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब ये साइड की वॉल कर देते हैं। ओके आ जा भाई कलर, तो अभी तो हमारा बजट कम है इसलिए हम कुछ थोड़ा बहुत ही करने वाले हैं, लेकिन जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो बहुत कुछ अपडेट करने वाले हैं हम, तो वो भी याद में रखना, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही रखने वाला है, बिल्कुल भी नहीं भाई। तो आई थिंक सो हमारा पेंट भी खत्म हो चुका है, मुझे और पेंट लेके आना पड़ेगा फिर उससे। इसके अंदर और है क्या, अबे कितना पेंट है इसके अंदर, पता नहीं भाई पेंट तो होते जा रहा है, अबे क्या सीन है। ओके अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, तो चलो भाई जल्दी से पेंट भी लेके आते हैं, और व्हाइट कलर तो भाई बहुत बढ़िया लगने वाला है हमारे रूम के लिए, और इधर से व्हाइट कलर ले लेते हैं, चलते हैं हमारे रूम नंबर 1 के पास। लेट्स गो, तो मैंने पेंट भी ला दिया है, तो जल्दी से हमारा पेंट रोलर निकाल देते हैं, और यहाँ से हमारा पेंट कंटिन्यू, अरे भूल गया था ई होल्ड करना पड़ता है। लेट्स गो, तो ये भी वॉल कंप्लीट हो चुकी है भाई, अब बचती है ऊपर की वॉल, ये ऊपर की वॉल भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं जल्दी से। अब ये क्या था भाई, मुझे लगा पूरी वॉल हो जाएगी, तो भाई कुछ कमी कर दिया। लेट्स गो, और पेंट की जरूरत, मुझे लगता है पेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली क्योंकि और पेंट है मुझे लगता है मेरा उसमें हमारे, तो वही यूज कर लेंगे क्योंकि भाई एक्स्ट्रा खर्चा है, पहले से हमारे पास सिर्फ $1400 है भाई, उससे तो मुझे नहीं लगता भाई कुछ ज्यादा होने वाला है। तो लेट्स गो, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ वॉल और आपसे मिलता हूँ। लेट्स गो गाइस, तो ये हमारी वॉल भी कंप्लीट हो चुकी है, तो बचती अंदर की वॉल्स, तो इसके लिए मुझे लगता है मेरा पेंट लाना पड़ेगा और, तो रुको एक बार यहाँ पे जितना पेंट बचा है उतने से मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ और फिर पेंट लेके आता हूँ मेरा उससे। तो हमारा पेंट भी खत्म हो चुका है, तो लेट्स गो जल्दी से मैं जाके पेंट लेके आता हूँ। अबे भाई साहब ये क्या उठा लिया भाई इसने, भाई इसने पूरा टेबल ही उठा लिया भाई, पूरा टेबल लेके नहीं जाना भाई हमको। लेट्स गो, तो इस पेंट को रुक दो इधर, और निकालो हमारा पेंट रोलर, और जल्दी से यहाँ की वॉल कंप्लीट करता हूँ मैं, क्योंकि भाई हमें बहुत काम करना है भाई अभी, मुझे लगता है हमें वेस्ट नहीं करना है पेंट, क्योंकि पहले से कमी है हमारे पास। मुझे लगता है इसके बाद और ही एक बॉक्स बचा है हमारे पास पेंट का, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है और कम से कम यूज़ करना है भाई पेंट। ओके लेट्स गो, वैसे हमारा टास्क तो कंप्लीट हो चुका है मुझे लगता है, लेकिन यहाँ की थोड़ी बहुत वॉल बची है वो भी कर देते हैं, और हमें मिल चुके हैं $200। ओके तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स लगानी इस रूम के अंदर और ये रूम को कंप्लीट कर देना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें बेड फैन वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा, लेकिन वो लगता है हमें ऑर्डर करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर से। तो रुको भाई, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के पास और जल्दी से जो भी चीज़ें हमें लगने वाली है, तो यहाँ से कहाँ से इक्विपमेंट्स में जाना है मुझे लगता है। ओके तो मुझे चाहिए होगा एक बेड, और ये बेड है भाई $33 का, मतलब इतना महंगा बेड पे कौन सोता है भाई। चलो एक बेड ऑर्डर कर देते हैं, और एक बेडशीट भी लगेगा। ओके एक ब्लैंकेट भी ऑर्डर कर देते हैं, और एक पिलो, एक डोर, सीलिंग लैंप की तो जरूरत नहीं है, एक बाथटब भी चाहिए, सिंक चाहिए, टॉवेल, तो एक टॉयलेट सीट भी ऑर्डर कर दिए क्योंकि वो तो चाहिए भाई, और टॉयलेट पेपर्स भी चाहिए, और हीटर, चलो भाई हीटर भी ऑर्डर कर देते हैं, और कर्टन्स भी लगेंगे हमें, तो कर्टन्स भी ऑर्डर, एक साथ ही भाई सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं, फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चेयर, आई थिंक चेयर, चलो फिर भी चेयर भी मंगा लेते हैं, और एक लैंप, ओके ये लैंप की भी जरूरत पड़ सकती है, टेबल तो नहीं चाहिए, डेस्क भी नहीं चाहिए, क्लोजेट नहीं चाहिए, ड्रॉवर भी नहीं चाहिए। ओके तो एक क्लॉक भी मंगा देते हैं $15 की, तो जितनी सारी चीजें चाहिए थी वो तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिए, और हमें भाई कार ट्रांसपोर्टिंग करंट व्हीकल, ओ भाई साहब ये वैन के अंदर तो नहीं बैठने वाला, वैन चाहिए होगी, ये बड़ी वाली वैन ले लेते हैं, और इसकी टाइम स्लो भाई 6 घंटा, पागल हो क्या भाई, फास्ट 2 घंटे के अंदर $380 में। ओके कोई बात नहीं, $380 में हमारी सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, तो लेट्स गो, तो चलो इसको जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं भाई। ये हमारा व्हीकल, ओके लगता है मुझे ट्रक ही लाना पड़ेगा, ट्रक भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो हमारी जो चीजें चाहिए थी वो जल्दी ऑर्डर कर देते।
लेट्स गो। तो हमारे ऑर्डर तो सक्सेसफुल हो चुकी है, तो मुझे लगता है थोड़ी ही देर में हमारी ऑर्डर आ जाएगी। तब तक हमारा हम शॉप देख लेते हैं कैसा है। तो ये है हमारी शॉप। रुको भाई, इसकी ये चीज़ें निकाल दो यहाँ की। कौन सी गाड़ी है भाई ये, क्या आवाज़ क्या है भाई इस गाड़ी का, भाई कैसी खटरा गाड़ी है भाई इनके पास। वो तो जाने दो, हमारी शॉप एक बार में देख लेता हूँ कैसी है। इसको रुको इधर, और ये हमारी शॉप है तो इसको भी हम रिनोवेट करेंगे भाई, चिंता मत करो क्योंकि हमें पैसा कमाना है भाई। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है हमारा, ये भी हम चालू करेंगे। तो ओके, तो मुझे लगता है हमारी ऑर्डर भी आ चुकी है। तो इधर मेरा ऑफिस और ये ट्रक पता नहीं भाई कहाँ पे जा रहा है, आई थिंक सो हमारे वेयरहाउस के इधर रुकेगा ट्रक। ट्रक वाले भाई सब तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनसे हमारी ऑर्डर भी ले लेते हैं। और ये क्या है भाई, कार्ट। ओ भाई, इसके अंदर हम सामान ले सकते हैं भाई, लेके जा सकते हैं उधर तक। तो मुझे लगता है ये जो सामान है ना इसके अंदर रख के ले जाते हैं, एक बार देखते हैं कैसा सीन है। भाई सामान तो निकाल दे भाई, कहाँ पे जा रहा है। तो आई थिंक मुझे ही निकलना पड़ेगा। ई दवा के डोर ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमारा एक बेड है, इस बेड को रख देते हैं इस कार्ट के ऊपर। लेट्स गो, इस कार्ट के ऊपर मैंने बेड भी रख दिया है। जो जो सामान इसके ऊपर फिट होता है ना वो जल्दी से इसके ऊपर लेके चले जाते हैं। तो बड़ा बड़ा सामान अभी लेके चले जाते हैं। ओके, चेयर भी इसके ऊपर आ जाएगी मुझे लगता है। ओके लेट्स गो भाई। फिर तो कहाँ पे रख दिया भाई मैंने, अभी इतना जो सामान मैंने इस पे रखा है ना यही पहले। अबे भाई ये सो रहा है भाई, पागल है क्या भाई थोड़ा। हमारे रूम नंबर 1 के अंदर लेके लगा देते हैं इसको। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले लगाते हैं हमारे टॉयलेट सीट। ओके, टॉयलेट यहाँ पे लग चुका है। फिर उसके बाद हमारा आता है बेड, तो ये बेड को भी यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ऐसे करके कुछ। लेट्स गो, यहाँ पे हमारा बेड भी आ गया। फिर उसके बाद आती है हमारी चेयर, तो मैंने चेयर भी यहाँ पे लगा दी है। फिर आते हैं हमारी ये टॉवल्स, पता नहीं क्या है इसके अंदर, वो चेकआउट करते हैं। कार्ट लेके जल्दी से चलते हैं हमारे वैन के पास। बाकी का जो सामान बचा था वो इसके अंदर रख देते हैं, इसको भी प्लेस कर दिया। ये दरवाजे, अबे ये भाई। ओके, ये डोर हमारा है। मुझे लगा भाई इसका डोर निकाल दिया मैंने। आई थिंक मैंने सारा सामान तो इधर का ले लिया है। तो इस ट्रक वाले को अभी हम बेच सकते हैं। तो ट्रक वाले भाई तू जा सकता है, तेरा काम हो चुका है। यहाँ पे फ्रिज डिलीवरी करना है हमें, और ट्रक वाला यहाँ से चला जाएगा। अबे डोर ओपन क्यों कर रहा है भाई, इसके अंदर में लेट्स गो। तो कार्ड भी हमारे ले लिए मैंने, और ये डोर की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई सामने का। मुझे लगता है मुझे और एक डोर ऑर्डर करना पड़ेगा, कि ये तो यहाँ का डोर हो चुका है, यहाँ पे डोर कौन सा लगेगा। रुको, जल्दी से एक डोर भी ऑर्डर कर देता हूँ, और कुछ 2-3 चीजें और भी ऑर्डर कर देता हूँ। ये $36 वाला एक फैन भी ऑर्डर कर देता हूँ, और तो मुझे नहीं लगता कुछ लगने वाला है हमको। तो ये 2 चीजें ऑर्डर कर देता हूँ जल्दी से, फास्ट डिलीवरी चाहिए। ओ भाई साहब। तो चलो भाई, मैंने हमारी 2 चीजें तो ऑर्डर कर दिए, तो उनका आने का वेट करते हैं। तो तब तक ये जो हमने ऑर्डर किया था इनको लगा देते हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पे हमारा बेडशीट भी हमने लगा दिया है। और इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर टॉवल से मुझे लगता है। ओके, यहाँ पे लगता है मुझे हमारी ऑर्डर भी आ चुकी है दूसरी वाली, तो वो तो आने दो। ये हमारे पास कुछ कर्टन्स। ओके, यहाँ पे कर्टन तो लुक चुका है, मुझे लगता है हमें और कर्टन्स की जरूरत पड़ने वाली है। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैंकेट भी लगा दिया है। फिर उसके बाद ये आता है हमारी क्लॉक। क्लॉक को लगा देते हैं हम इधर, लगा देते हैं क्लॉक को हमारी। लैम्प चिच्चा तुम इसके ऑन बजा मुझे लगता है अभी। चलो इसको लेके जल्दी से चलते हैं उसके पास वैन के। लेट्स गो। तो हमारा कार्ट लेके हम चलते हैं हमारे रूम नंबर 1 के पास। और ये जो डोर है वो हमारे सामने वाले साइड पे लगने वाला है। डोर तो इधर लगा दिया मैंने, अभी स्विच ऑन हो जाओ। ओके लेट्स गो। ये हमारा रूम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या बच रहा है अभी। और इसके अंदर कुछ, ओके इसके अंदर था टॉवल्स मुझे लगता है, कुछ तो रह रहा है भाई। हमारा बाथटब भी लाया हमने, बाथटब को हमने वहां पे ही रख दिया मुझे लगता है। चलो भाई कार्ट को लेके चलते हैं, और वहां पे आप देख सकते हो हमारा बाथटब पड़ा है। इस सिंक और ये बाथटब को लेके चलते हैं भाई जल्दी से। ओके लेट्स गो। तो चलो इस बाथटब और सिंक को भी इनकी जगह पे लगा देते हैं। बाथटब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंक को यहाँ पे लगा देते हैं। सिंह भी यहाँ पे लग चुका है। क्या रह रहा है भाई अभी, और क्या बच रहा है हमारे रूम के अंदर। ओ हमें चाहिए एक पिलो एंड एक हीटर। पिलो आई थिंक मैंने ऑर्डर किया था, और एक हीटर भी ऑर्डर किया था भाई। मुझे तो लगता है मैंने ऑर्डर किया था। क्या वो चला गया क्या ऑर्डर के साथ। नहीं यार भाई साहब, ये देखो भाई इनका क्या सीन चल रहा है भाई। वही सोचू मैं भाई, ये इनको तो ऑर्डर किया था मैंने। लेट्स गो। तो ये हीटर को लगा देते हैं हम। हीटर कहाँ पे लगता है भाई, जमीन पे लगता है क्या। ओके पिलो को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके लेट्स गो। हमारा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा अगला टास्क है ओपन द मोटेल फॉर कस्टमर्स। हमारा जो मोटेल है भाई इसको हमें कस्टमर के लिए ओपन करना है। लेट्स गो। तो हमारा मोटेल भी ऑन हो चुका है कस्टमर्स के लिए। वेट फॉर योर फर्स्ट मॉडल कस्टमर। ओके, तो हमें वेट करना है हमारे पहले कस्टमर के लिए। तो देखते भाई हमारा पहला कस्टमर कौन होता है। भाई साहब यहाँ पे कचरा देखो भाई, एक बार कितना सारा कचरा हो चुका है यहाँ पे। और अभी तक हमारे मोटेल में कस्टमर, ओ भाई आ गए कोई तो कस्टमर आ गया। अरे भाई साहब कौन सी गाड़ी में आई है भाई, आवाज़ तो गाड़ी की डेंजर लग रही है मेरे को। ओके आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। उन भाई साहब को देंगे हम रूम नंबर 1। रूम नंबर 2 और 3 को भी हमें रिनोवेट करना है। और ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही देर नहीं ले रहे भाई गाड़ी के बाहर आने के लिए। ओ मैडम है भाई, मुझे लगा भाई साहब है। ओके मैडम जी सॉरी, आ जाओ, आपको चाहिए एक रूम। ओके तो यहाँ पे वेट करते हैं मैडम जी का। तो मैडम जी कब आने वाली पता नहीं, अभी तो मुझे दिखी थी भाई यहाँ पे आज। ओके आ गए, आ जाओ भाई इधर। मैडम जी इधर। हाँ ओके मैडम जी तो आ गई इधर। ओके यहाँ पे रूम नंबर 1 की की ये किया मेरे अपनी टेबल के ऊपर। ये जो मैडम जी है ना, टेक दिस रूम। कितना मिलेगा हमें, $59 सिर्फ। क्यों 59
डॉलर से तो क्या ही होगा भाई, इससे ज्यादा भाई, इससे ज्यादा तो हमने खर्चा किया है भाई इस रूम के ऊपर। क्या बोले भाई, चलो भाई करना पड़ेगा, इनको तो हमने रूम दे दी है। मुझे लगता है हमारे पेट्रोल पंप के लिए हमें फ्यूल ऑर्डर करना है, तो यहाँ से हम फ्यूल ऑर्डर कर लेते हैं। लेट्स गो, $141 का मैंने फ्यूल भी ऑर्डर कर दिया है। ओपन द गैस स्टेशन, तो हमें गैस स्टेशन भी हमारा ओपन करना है। जल्दी से हमारा गैस स्टेशन भी ओपन कर देते हैं। कहाँ पे गया गैस स्टेशन, हो गया गैस स्टेशन भी हमने ऑन कर दिया है। तो हमें वेट करना है अभी गैस स्टेशन के कस्टमर के लिए। तो पता नहीं भाई हमारा गैस स्टेशन पे कस्टमर कब आने वाला है, और यहाँ पे तो भाई हमें प्रॉफिट होना चाहिए। आई थिंक ये गाड़ी पेट्रोल की है, मुझे लगता है फ्यूल की। भाई गाड़ी को क्या हो गया, आ जा भाई। तो ये हमारी फ्यूल की गाड़ी। तो यहाँ पे हमारे पेट्रोल पंप पे आ चुका है कस्टमर, और भाई बारिश आने लगी है भाई। तो रुको भाई, इनको अब कितना पेट्रोल चाहिए वो एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स गो, तो हमें इसका मिला $29 सिर्फ। मुझे पुलिस वालों की आवाज़ आई अभी। अबे भाई यहाँ की लाइट चली गई, शिट। यहाँ पे आ चुके पुलिस, और ये पुलिस वाले चीचा क्या कर रहे हैं भाई, क्या चाहिए सर आपको? भाई साहब मुझे लगता है पेट्रोलिंग के लिए आए थे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक है ना, कोई चोरी वगैरह का कोई सीन नहीं ना, वो तो जाने दो। मुझे लगता है जल्दी से लाइट का सीन भी करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मुझे कुछ तो दिखा रहा है भाई। यहाँ पे मैं एक बार जाके आता हूँ, क्या सीन है। लेट्स गो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? तो इसके अंदर मैंने फ्यूल भी भर लिया है, तो मुझे लगता है हमें जनरेटर के लिए इसका फ्यूल यूज करना पड़ेगा। और पुलिस वाले चीचा आप देख सकते हो भाई, पुलिस वाले ऐसे जा रहे हैं। अब इसके अंदर ओके, यहाँ पे मैंने फ्यूल भी भर दिया है भाई साहब। फ्यूल है इसको, फ्यूल इसके अंदर मैंने और ले लिया है। ओके, मैंने और फ्यूल भी ला दिया है। ओके, इसके अंदर तो मैंने फ्यूल भर दिया है, लेकिन अब क्या करना है भाई। ओके लेट्स गो, लाइट तो यहाँ पे आ चुकी है। अब भाई मुझे लगता है एक बार डे करना चाहिए, तो चलो जल्दी से जाके और सो लेते हैं एक बार। लेट्स गो, मुझे लगता है डे तो हो चुका है। हमारे पेट्रोल पंप पे आ चुका है कस्टमर, और इसकी पेशेंस लेवल भाई खत्म होने आ चुकी है। भाई रुक जा भाई, भाई अबे भाई रुक भाई, मेरे ऊपर से गाड़ी लेके जा भाई। क्या बोले भाई इनका, इनका भाई मतलब गन है मेरे पास मुझे लगता है भाई साहब। नहीं भाई अंदर भाई, तो अभी हमें शॉप रेडी करनी है, तो वो तो हम करेंगे अगले एपिसोड में। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना, और इसकी मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए नहीं वो भी आप बता सकते हो, और आपको कुछ आइडियाज होगी तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर लो, और ये वीडियो शेयर करो भाई जितना कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।